हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज संडे का दिन और अभी टाइम 10:30 का हो रहा होगा, क्योंकि आज हमने लेट उठे हैं क्योंकि रोज़ स्कूल जाना होता था, नींद भी नहीं पूरी होती थी। तो वैसे भी कल शब रात थी, तो रात को देर तक उठे, आज बहुत नींद आ रही थी तो इसलिए आज देर तक उठे। तो अभी हम लेने जा रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में हम खाएँगे हलवा पूड़ी। गाइस, अभी खा तो लिए और बहुत मज़ा आया। और ये देखिए, अभी अब्दुलरहमान बैठा है, इस वाइन सिर्फ हलवा खाया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा ये हलवा तो बहुत ही मज़े का था, नाचने तो उससे भी मज़े के थे, और साथ में हम चाय भी पीते थे सर्दियों में, लेकिन अब जमिश्ती पीते, गर्मियाँ आ गई। देखे मैंने हवा की शर्ट पहनी तो समझ चीज है, गर्मियाँ आ गई है। ये ग्लास पिए लोग, आपके पास अभी आपको आज के व्लॉग में मैंने आपको बस ये दिखाऊंगा। गाइस, अभी यहाँ जा रहे हैं, अभी हम वहाँ जा रहे हैं, कि संडे का दिन है, थोड़ा दफा बाहर जाना था, तो अभी हम लेने जा रहे हैं पुजारी अब्दुलरहमान हमारे साथ है। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं कहना चाहूँगा इतने मजे होंगे आज के दिन, आपको इतना मजा करवाएंगे, आपका दिमाग है ना पूरे मजे से भर जाएगा। हाँ, इतना मजा कराएंगे किसी ने सोची ना होगी। हाँ, अभी हम आ गए, और अभी अब्दुलरहमान भाई ये चीज भी देखनी, झाड़ू देनी। अंकल को कहो एक झाड़ू दें। ये कौन सा वाला दरख्त है ये बताओ ना, आपको पता है? कांटो वाला। कांटो वाला? कांटे तो हैं, इसके दरख्त का नाम क्या है मुझे खुद ही पता। चलो, खुद ही नहीं पता। ये वाले हमारे पौधे हैं। ये हमारे पौधे हैं? हमारे नहीं, हमारे पास लगे हुए हैं। ऐसे कहो ना आप, क्या रही वाले हमारे पौधे हैं। ये कौन सा दरख्त है? ये वाला आपको तो पता ही होगा ना, कहाँ है आम जरा मुझे भी दिखाओ। आओ जरा, किधर है आम, किधर है? भैया हम गर्मियों में आते हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, देखो आपने भी हाफ बाजू पहना हुआ। कहाँ पर है आम मुझे दिखाओ जरा, कहाँ पर है? ये हमारे फूल हैं जो कि बच्चे तोड़ के ले जाते हैं। अभी नीचे नीचे लगे ना, अभी दिन का टाइम इसलिए है नहीं, कोई दोपहर का टाइम होता है ना, बच्चे बाहर निकलते हैं, फिर ये पौधे नहीं, ये फूल नहीं हमें नज़र आते। कितने काउंट थे? एक उधर था, दो, ये तीन, ये वाला चार, ये पाँच, छः, एक वो रहा सात, ये आठ निकलने वाली है। अच्छा, ये आठ, पूरे आठ फूल हैं। मेरी क्यारी सारी गंदी हो रही है, इधर झाड़ू लगा कर ना, फिर इसको साफ़ करेंगे, सारा पानी देंगे। तो गाइस, आज बने हैं कोफ्ते, और इनको देख कर तो यार मुँह में पानी आ गया, मतलब इतने मतलब टेस्टी लग रहे हैं। कोफ्ते भी हैं, साथ आलू है और शोरबा वाला, मतलब बहुत। तो गाइस, जैसा कि हमने देखा था कि अहमद का ये वाला जो बैट था ये टूट चुका था, तो अभी हम ना इस बैट को आज ठीक करवाने हैं। बहुत दिन से कह था ठीक करवा दो, तो आज टाइम मिला, हमने उसको चलो ठीक करवा देते हैं। यहाँ पर दुकान है, आप देख सकते हैं, ये अंकल ये पहले भी एक बैट ठीक करे, तो फिर अब इनको ये वाला देते हैं, पूछते कब तक ठीक होगा। एक बजे तक हो सकता है, क्योंकि फिर मैं ड्यूटी पे चला जाऊंगा, फिर नहीं हो सकता। एक बजे तक हो जाएगा? रात को तेरी ज़रा दूर से आए हैं, कल 1 बजे में ले जाऊंगा फिर आपको, ज़रा मजबूती से जोड़ दिए। अभी हमने बैट अंदर रखवा दिया, अंकल कह रहे हैं कि कल आपको मिल जाएगा। हाँ, तो फिर कल इसका बैट ठीक होकर आएगा, फिर हम आपको तब दिखाएंगे। चलें अभी चलते हैं, अभी हमने करवानी है कटिंग, अहमद ने, अब्दुलरहमान ने और मैंने, तो वहाँ जाके आपसे मिलते हैं।
स्ट्रॉबेरी और इसका हमने बना लिया स्ट्रॉबेरी केक। इसको इसमें तब्दील कर दिया, सिर्फ इसको ग्राइंड करके इसमें जूस डाला है। तो ये देखिए अभी बन गया स्ट्रॉबेरी केक। तो अब इसको पीते हैं और इसमें पानी आ रहा है, बहुत टेस्टी है ये देखिए पूरा ग्लास। इस कटिंग करवा कर आए थे तो अभी नहा भी लिया, कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो जिस तरह कि आपको पता है मैं 8th क्लास में गया हूँ तो मेरी बुक्स काफ़ी मुश्किल से मिली थी। लाला बुक डिपो पे भी एक ही बुक थी, वो भी हिस्ट्री की, तो वो मिली सिर्फ मुझे। कोई बुक कहीं से मिली, कोई बुक कहीं से मिली, तो आज अभी गए थे तो ये एक बुक मिली है, जनरल साइंस एंड मैथ दोनों इकट्ठी मिली हैं। तो चलो मिल तो गई शुक्र है, वरना ये भी नहीं मिली थी बहुत मुश्किल से। और इंग्लिश एक ही तो एक ऐसी बुक है जो मिल ही नहीं रही कहीं से, किसी भी बुक स्टोर पर चल जाओ इंग्लिश एक ही नहीं है। ओल्ड तक पूछ लिया कि नहीं नहीं तो यार ओल्ड ही मिल जाए, बट उनके पास भी इंग्लिश है नहीं है, पता नहीं इतनी यूनिक क्यों हुई है बुक्स। तो यही था चलने आज हमारा छोटा सा व्लॉग, तो हम अपने इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ये जिस जिस की कांपे टांग रही है ना, वो किसी अच्छे इलाज से हकीम करवाए।